पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार बयानबाजी करते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें उनके मुंह से निकल जाती है, या फिर कुछ ऐसी हरकतें वो कर देते हैं जिस वजह से चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद जिस तरीके से महिलाओं और पुरुष के बारे में जो बातें कही, जीतन राम मांझी को जिस तरीके से जो बातें उन्होंने कही थी, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए थे। अब इधर एक तरफ पार्टी में जो खलबली मची हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कुर्सी की भी चर्चा खूब चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो परसेप्शन बन रहा है बिहार की राजनीति में, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग्स ने जिस तरीके से मोर्चा खोल दिया, एक महिला उद्घोषिका के साथ नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हुआ, उस पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता हैं सुहेली मेहता जी, इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि मैम, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो महिला मंच उद्घोषिका के साथ में किया, भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग्स इस पर क्या सोचती है, क्या प्रतिक्रिया उनकी रहती है? देखिए रत्नेश जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जब कोई भी आदमी किसी ऊंचे ओहदे पे होता है जी, चाहे वो ओहदा कोई भी हो, प्रशासन का हो, शासन का हो, तो एक सार्वजनिक जगह पर उसकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, या उनके विचार कैसे होने चाहिए, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ये सब सारे चीज उनके एथिक्स कैसे होने चाहिए, सब कुछ के साथ वो ऊंचे ओहदे पर जाते हैं और सब कुछ एक मतलब ट्रांसपेरेंट सा रहता है, खासकर राजनीतिक दल के नेताओं पर, जो समाज है वो उनको फॉलो करता है। जी, और खासकर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए यही नीतीश कुमार जी थे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले से इस तरह की हरकत करते आ रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी थे जिनकी वाणी के सब लोग कायल थे जी। कि भाई हमारे मुख्यमंत्री इस तरह से बिल्कुल नियंत्रित वाणी बोलते हैं, जो इनका आचार विचार व्यवहार, ये इसके लिए जाने जाते थे। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है इधर कुछ दिनों से, जिस तरह की एक्टिविटी ये कर रहे हैं, तो उससे तो समझ में नहीं आता है कि ये अपने अंदर के जो विचार हैं उनका जो पता नहीं अनियंत्रण के कारण इस तरह से बाहर आ जा रहा है, क्या आखिर बात है, ये तो जांच का विषय है। स्वाभाविक सी बात है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से इस पर जांच का विषय है कि इतने ऊंचे ओहदे पर जो बिहार के मुखिया हैं, वो अगर सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये बहुत ही चिंता और चिंतन का विषय है। इससे सिर्फ एक महिला के बारे में नहीं कहा जा सकता है। हमें तो लगता है कि जो व्यक्ति किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से अपने परिवार को भेंट करवाता है, ये एक गर्व लोग महसूस करता है कि मुख्यमंत्री से आज हमारा परिवार, हम अपने सब परिवार हम उनसे मिलने गए, तो ये तो बहुत मुश्किल है लोगों के लिए कि कोई अपनी बहन बेटी से कैसे किसी को मुख्यमंत्री को मिलवा सकता है। या जिस तरह से वो उद्घोषिका खड़ी थी, वो भी किसी की बहन है, बेटी है, पत्नी है, उनका तो अपमान हुआ ही, साथ साथ जो उनके भाई हैं, हस्बैंड हैं, उनके जो पिता हैं, उन लोगों को भी लगता होगा कि ये कैसी बातें हो गई। जी जी जी, ये किसी को देखने में बहुत छोटी चीज लगती होगी, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर हमें कैसा एक्ट करना है, हम एक शिक्षक हैं, हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, ये हमको आना चाहिए और हमारे पर नियंत्रण होना चाहिए कि हम अगर एक शिक्षक हैं तो हम विद्यार्थी के सामने कैसा व्यवहार करें, समाज के सामने कैसा व्यवहार करें। जी जी जी, लेकिन ये भी तो हो सकता है मैम कि शायद उनसे अच्छा लगाव हो, अच्छी मित्रता भी हो सकती है, जिस वजह से भी ये चर्चाएं हो सकती हैं जिस तरीके से उन्होंने ये हरकतें की। लेकिन ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्या इसे बहुत बड़ी बात बना रही है? इस्तीफे की भी मांग कर दी गई।
नहीं, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। जब कोई मानसिक रूप से असंतुलित हो गया, ये असंतुलित का लक्षण है, मानसिक रूप से असंतुलित होने का लक्षण है, ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात देखने में लगता है। आप अपनी बहन के साथ भी किसी स्टेज पर इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। आप अगर मजाक के रिश्ते में भी लगते हैं किसी के, अगर आप देवर हैं, किसी के भाभी के भाई हैं, तो भी आप सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। ये लगाव से ये सब चीज नहीं हुआ है, ये उनका उनकी जो अनियंत्रित मानसिकता हो गई है, जिस तरह से विधान परिषद और विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने बातें बोली, क्या ये एक सभ्य समाज में, हम बाद बाकी का छोड़ दीजिए कि उनका बॉडी लैंग्वेज है, क्या एक सभ्य समाज में किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ इस तरह के बातों का, इस तरह के शब्दों का, लाइन का प्रयोग, ये क्या सही माना जा सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। एक हम अंतिम भारतीय सवाल संस्कृति के में रहने वाले लोग हैं। संस्कृति एक निश्चित करती है कि हमें के शब्दों का प्रयोग कहाँ पर करना है। ये है। हमारी सोसाइटी में एक लाइन दिया गया है, उसी लाइन के अंदर रहकर हम लोग बात करते हैं। पर्दे के पीछे क्या होता है ये सब लोग जानता है, लेकिन एक सभ्य समाज में हम लोग किसके साथ किस तरह का आचार विचार व्यवहार करें, ये एक तय है। एक समाज के नियम कानून होते हैं, हर चीज ये न्यायपालिका में नहीं होता है, समाज भी एक तरह का न्यायपालिका है, और यहाँ भी जज किए जाते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है और उसके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न रहेगा मैम, आप चूंकि जदयू में काफी लंबे समय से रही हैं, नीतीश कुमार के साथ काफी मतलब देखा गया है कि हमेशा मतलब एक पार्टी में आपने बहुत कुछ किया है, तो क्या महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार की पहली ऐसी एक्टिविटी रही है क्या जदयू में जब आप थी तो? बिल्कुल, देखिए हम तो उनको गार्जियन समझते हैं, मेरा मेरे पिताजी लोग के साथ वो राजनीति करने वाले लोग में से हैं, इसलिए हम अभिभावक के तौर पर ही उनको समझते हैं। लेकिन आज के दिन में मैं सिर्फ एक राजनीतिक बात नहीं कह रही हूँ, समाज की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, अगर घर में भी कोई इस तरह का गार्जियन करने लगे तो उसका घर में बहिष्कार होता है, समाज में उसका बहिष्कार किया जाता है। मैं सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि मैं अभिभावक मानती थी उनको, हमने पार्टी छोड़ा उसके बाद भी अभिभावक के राजनीतिक बयानबाजी एक अलग बात होती है। हम जिस राजनीतिक पार्टी में रहते हैं हम उस लाइन पे अपने बयान देते हैं, लेकिन ये एक समाज की बात है। ये सिर्फ एक, ये मुख्यमंत्री हैं, ये किसी पार्टी के सिर्फ नेता नहीं है, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की सारी महिलाएं, सारे पुरुष, ये सिर्फ महिलाओं के लिए शर्म की बात नहीं है जो उन्होंने विधानसभा विधान परिषद में दिया, ये एक पुरुषों के लिए भी ये असामान्य बात है। हमारे सभ्य समाज में, भारतीय सभ्य समाज में बच्चा कैसे पैदा होता है ये सब लोग जानता है, लेकिन वो सड़कों पे नहीं होता है, और इन्होंने तो सड़क पे लाके रख दिया। इस तरह की बात है, ये तो पुरुष को भी शर्म करने वाली बात होनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। देखते रहिए भारत लाइव, धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।